चबी चीक्स एंड फेस फैट और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, सो यू आर इन राइट प्लेस। हाई गाइज, होप यू ऑल आर गुड। सो दिस इज़ यूसुफ। सो ये गलतफहमी है कि फेस फैट ख़त्म नहीं हो सकता, बट गाइज आज मैं आपको कुछ फेस एक्सरसाइजेज बताऊंगा और मैं आपको फेस पॉस्चर इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जो अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आप इजीली अपना फेस फैट खत्म कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम्प्लीटली देखें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो कोई भी अच्छा वर्कआउट प्रॉपर वार्म अप के साथ स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। सबसे पहले आपने अपने हेड को साइड पर टर्न करना है जहां तक इजीली हो सके और आपने इसको 5 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है लाइक दिस। डू 3 सेट्स एंड डू इट ऑन बोथ साइड्स। सो अनदर वे टू वार्म अप इज टू च्यू गम फॉर 30 to 60 seconds। सो आफ्टर वार्मिंग अप लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल वर्कआउट। सो आपको याद होगा टिक टैक टो गेम। सो आपने 15 टाइम्स एक्स बोलना है और 15 टाइम ओ बोलना है लाइक दिस। सो ये एक्सरसाइज आपके मुंह के सारे मसल्स को फ्लेक्स करेगी और इस एक्सरसाइज से आपके मुंह के हॉरिजेंटल और वर्टिकल मसल्स टोन होंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज माउथ वॉश एक्सरसाइज। सो गाइज इस एक्सरसाइज से आपकी डबल चिन खत्म होगी। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपने जितना हो सके अपने मुंह के अंदर एयर को फिल कर लेना है लाइक दिस और फिर आपने इसी पोजीशन में अपने मुंह को साइड टू साइड मूव करना है लाइक दिस। Do this for 30 seconds. Next exercise is smiling exercise. उसके लिए आपने अपने दांतों को gently जोड़ लेना है और आपने smile करना है widest as you can. So आपने अपने cheek muscles को stretch करना है away from each other. आपने smile को hold करके रखना है for half a second और आपने 20 repetitions करनी है. Next exercise is jaw dropping exercise. तो उसके लिए आपने अपने जॉ को ड्रॉप कर देना है और उसे स्ट्रेच करना है एज मच एज यू कैन। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको मे बी एक सॉफ्ट साउंड सुनाई दे जहां आपके जॉ मसल्स मिलते हैं यानी आपके एयर्स के करीब, बट नो वरीज इट्स नॉर्मल। होल्ड दिस फॉर हाफ सेकंड एंड रिपीट 10 to 15 times। सो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जॉ लेंथ और चिन स्ट्रांग होगी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज किस द सीलिंग। इस एक्सरसाइज से आपकी जॉ लाइन स्ट्रांग होगी और आपकी नेक स्किन टाइट होगी। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपने अपने हेड को पीछे की तरफ टिल्ट कर लेना है और आपने अपने लिप्स को फॉरवर्ड करके अपने हेड को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप एक अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे अपनी चिन के अंडर। सो होल्ड दिस स्ट्रेच फॉर 15 seconds एंड रिपीट 3 times। सो बहुत से लोग जिनके चबी चीक्स होते हैं उसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1, या तो वो ओवरवेट हो, या नंबर 2, इनकरेक्ट फेस पॉस्चर। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना फेस पॉस्चर किस तरह करेक्ट करना है। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी टंग को अपने अपर और लोअर टीथ के दरमियान में रखते हैं। सो इससे आपके फेस के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपके फेस में हॉरिजेंटल मैस ऐड हो जाता है और आपके चीक्स बाहर की तरफ फैले हुए लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना फेस पॉस्चर किस तरह फिक्स करना है। सो नंबर 1 इज कि आपने अपने अपर और लोअर टीथ को आपस में मिलाकर रखना है जेंटली बट नॉट टू टाइट, बिकॉज इससे आपको हेडेक भी हो सकता है। सो आपने अपने अपर और लोअर टीथ को जेंटली प्रेस करके रखना है लाइक दिस। नंबर 2 इज आपने अपने टंग को टाइटली और फर्मली प्रेस करके रखना है अपनी माउथ रूफ के साथ व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग और ईटिंग। सो नंबर 3 इज ब्रेथ थ्रू योर नोज बट नॉट फ्रॉम योर माउथ। सो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने माउथ के अंदर कंप्लीट सेक्शन रखें और आप कोशिश करें कि आप अपनी नोज से सांस लें लाइक दिस। इससे आपका फेस रिलैक्स नहीं होगा और आपके चीक्स अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। सो नंबर 4 इज कीप योर हेड अप चेस्ट आउट, बिकॉज आजकल हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़ करते हुए अपनी नेक को आगे की तरफ झुका कर रखते हैं और इससे हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है। सो आपने क्या करना है कि आपने अपनी चेस्ट को आउट करके रखना है, अपने हेड को अप रखना है, आपने इमेजिन करना है कि आपकी अपर ऑफ चेस्ट पर एक कॉइन है
और आप चाहते हैं कि वो नीचे ना गिरे। सो इन एक्सरसाइजेस को आप कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, वाइल वॉकिंग, वाइल कुकिंग, ईटीसी। सो गाइज, इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपने स्पेशली अपनी डाइट पर फोकस रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी डाइट में से फास्ट फूड्स, चिप्स और क्रैकर्स को बिल्कुल निकाल दें और इनकी जगह आप फ्रेश फ्रूट्स यानी बनाना, ऑरेंजेस और योगर्ट और होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। एंड आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, बिकॉज जब आपकी बॉडी को पानी नहीं मिलता तो आपकी बॉडी फ्यूचर सप्लाई के लिए पानी को स्टोर कर लेती है और इस पानी का ज़्यादा हिस्सा आपके चीक्स में स्टोर होता है। सो आपने कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर लाजमी पिए एंड ट्राई टू टोन एंड लूज फैट फ्रॉम ऑल योर बॉडी। सो उसके लिए आप साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग कर सकते हैं फॉर 20 to 30 मिनट्स। सो गाइज, सबसे आसान हल फेस फैट ख़त्म करने का जो है वो है स्माइलिंग। तो स्माइलिंग करने से आपके फेशियल मसल्स एक्टिवेट होते हैं, आपके चीक मसल स्ट्रेच और टोन होते हैं। तो डू अनलिमिटेड सेट्स ऑफ स्माइलिंग। सो ये थी फेस फैट और चबी चीक्स को कम करने के लिए हमारी स्ट्रेचेस और टिप्स। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।